हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। सुबह मैं वॉक करने गई थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। और अभी तो हल्की हल्की झीसी भी पड़ रही है, आप लोग देख सकते हो सामने ही। और ऐसे मौसम में ना छत पे जाने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है, पर मैं अभी जा नहीं रही हूँ छत पे। एक्चुअली गाड़ी आ रही तो आवाज़ बहुत आ रही सड़क पर, मैं छत पे इसलिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि अभी डॉक्टर ने कुछ टाइम के लिए मना किया था। और मुझे क्या क्या रोक टोक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है सी सेक्शन के बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। और अब चलते हैं अंदर। मैं मॉर्निंग में बस वीडियो की स्टार्टिंग करने आई थी बाहर, सिर्फ बच्ची रो रही है, क्या देखती हूँ। अल्ले अल्ले अल्ले, झूले में मजा आ रहा है। मम्मी के पास है ये, और किचन में ट्राइपॉड लगा हुआ क्योंकि मैं अभी किचन में काम करने जा रही थी, मतलब मुझे मैगी बनानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैगी बनाते बनाते ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे अच्छी मैगी कौन सी आपको लगती है? मुझे येलो वाली अच्छी लगती है, फिर यिप्पी तो बस नॉर्मल ऐसे पानी में उबाल दो तो बहुत अच्छी लगती है। पर सियोम ने कहा है पर्सनली कि प्याज टमाटर उसमें कट करके डालना है, तो मैंने सोचा चलो उसके हिसाब से ही बना देते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई में प्याज कट कर लिया, अब टमाटर की बात। सो गाइस, मैगी बन चुकी है और मैं जा रही हूँ यिप्पी खाने। ये यिप्पी थी और मैं क्या झूले में झूल रही, गुल्डी इस टाइम गई है छत पे कपड़े डालने। और आज हमारे घर में गेहूं पर छोरा जा रहा है, तो अनाज वगैरह सब हमारे यहाँ खेती होती है, पापा किसान है, तो गेहूँ लाही ये सब गांव से आता है यहाँ पे। तो ये जो पछोर रही है मम्मी, और साथ में नाऊ ने जो मेरे भुकवा करती है, और मैं यहाँ पे टब में पानी भरी थी बच्ची को नहलाने के लिए, क्योंकि ना उसने वहाँ भुकवा लगे हुए एक घंटा हो गया था। और फिर अब मैं टमाटर भून रही हूँ और साथ में गर्म पानी मिक्स करेंगे पानी में, तो गर्म पानी भी इंडक्शन पर चढ़ा दिया है। मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों लोगों में से जो फ्री होता है वो रोज़ इसको नहलाते हैं, ये रोज नहाती है गर्म पानी से नहला के। ये मेरी बड़ी मम्मी है और बाबू की बड़ी नानी, तो बड़ी मम्मी ने आज इसको नहलाया और तैयार किया क्योंकि मम्मी गेहूँ साफ करने में बिजी थी और अब मम्मी फ्री हो गई। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है गोलू दीदी? बच्चे के कपड़े धुल रहे हैं, असल में उसके भुकवा लग गया और मेरे भी लग गया, तो नहाने के पहले मैं उसके कपड़े धुल देती हूँ। इतने सारे कपड़े एक दिन के होते हैं तो बच्चे में भी बहुत आफत है, क्योंकि कुछ तो मैं लंगोट पहना देती हूँ, पर ऐसे शाम के टाइम मौसम ठंडा हो रहा है और डायपर यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसे पैजामा पहना देते हैं। तो धुल चुके हैं, अब बस इनको मशीन में सुखाना है। तो बच्चों के कपड़े के लिए एक चीज और, कभी हाथ से मतलब धुलना चाहिए, हमेशा मशीन से नहीं धुलना चाहिए। और ये सारे कपड़े मैंने गर्म पानी में धुला है, तो आप लोग खुद देख सकते हो इतनी सारी लंगोटे और इतने सारे इनके पैजामे विव प्लस ग्लव्स वगैरह, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होके ना ज्यादा हो गई है। तो इसको धुल के फिर मशीन में सुखा देंगे, फिर इसको धूप में डालेंगे और फिर जाके हम नहा के अपना तैयार होंगे। सो गाइस, क्या हो गया बाबू? कैमरा खुलते ही आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अब आपका नाम बताएंगे हम जल्दी ही सबको, फिर सब लोग जान जाएंगे आपका नाम क्या है। अभी तक मम्मा ने कुछ बताया ही नहीं है ना, क्या गोदी ले ले? ओहो नहीं नहीं नहीं, ओए तो ये अभी खेलू खेलू कर रही हैं और रोने के पहले मौसम बनाती हैं, तो वही इनका चल रहा है टाइम, हाथ पैर हिला रही हैं। तो अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, ये अपना सोती नहीं इस टाइम दोपहर में, वैसे नॉर्मली नहा धो के 2 बजे तक सो जाती थी, पर अभी नहीं सो रही है, तो खेला करेगी ऐसे ही, देखा करेगी इधर उधर। और अब तो हंसती है थोड़ा सा, बहुत ही कम, मतलब सपने में ज़्यादा हंसती है, रियल में नहीं हंसती है। तो आप लोग मुझे ये सब बताना यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चे कब हंसते हैं। एक्चुअली साइको मैंने जो पढ़ा था सुपर टेट या यूपी टेट या फिर अपना डीएलएड में, तो वो सारी चीज़ें और जो एक तरफ से होता है ना कि सामने प्रैक्टिकली आप देख रहे हो बेबी को, बहुत ज़्यादा फर्क रहता है उनका, है ना। चलिए अब मैं इसे चुप कराती हूँ, गोदी लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो अब इसको मैंने चुप करा दिया, हम इसको अच्छे से लिटा देते हैं और इसको पैजामा पहनाना है, एक पैजामा मैंने चेंज करा है अभी। तो चलो बाबू, अब जल्दी से आपको सोना है, निन्नी आ रही है।
देखो गुलटी सो रही है कि नहीं? जग रही है, अभी सोई नहीं है। सो जा, मुझे लोरी गाना नहीं आता गाइस, फिर भी मैं सुनाऊंगी। नहीं 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 बाबू, कहाँ था? ना ना ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ नहीं 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 नहीं। चलो अब पैजामा पहना देते हैं, ठीक है जल्दी। अभी आप लोग टाइम देख सकते हो, 3:15 हो गई है। बेबी को सुलाते सुलाते और इतनी जोर की भूख लगी, पर अभी तक तो मैंने खाना नहीं खाया है दोपहर का। मतलब मॉर्निंग में दूध पिया था, उसके बाद 2 रोटी सब्जी नाश्ता करा था और फल वगैरह ऐसे बीच बीच में खाती रही, पर भूख लग गई अभी तो खाना खाने का टाइम नहीं मिला है। घर में किसी ने नहीं खाया, मतलब तो मैंने नहीं खाया, गोल्डी ने और मम्मी ने, हम तीनों ने खाना अभी तक नहीं खाया है। वो लोग घर के काम निपटा रही हैं और गोल्डी को मैंने भेज दिया, जो अभी मैंने कपड़े धुले थे उसको मशीन में सुखाने के लिए। और अभी बाबू मेरा सोया है तो अब मैं इसको लेटा के जा रही हूँ खाना लगाने। पहले खाना लगा देती हूँ, पता है क्या अक्सर यही होता है, जैसे मैं खाना खाने बैठूँगी ना वैसे ये जग के रोने ही लगेगी, तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत है। और इसने जो ड्रेस पहनी है ये इसकी पहली ड्रेस है जो मैं लेके आई थी। एक बार हम लोग गए थे मार्केट, तो यहीं सामने ही पास में मॉल है, वहीं से उठा लाए थे। तो ड्रेस तुम कैसी लग रही आप लोग बताना मुझे, इसका कलर अच्छा लग रहा था, जुगनू सा या लाइट ग्रीन कहते होंगे आप लोग। तो चलिए अब इसको सिला देते हैं और फिर खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पे खाना खुद ही आ गया। अब बाबू सो गई है, इसको लिटा दो और खाना खाओ। रखो आज हमारे यहाँ क्या बनाया दिखाओ। तो तहरी, बूंदी का रायता, टमाटर की चटनी। आज पापा का मंगलवार व्रत था तो शॉर्टकट में काम चलाए। सही है, अभी बैठ के ऐसे ही खाना खाते हैं मजे से। सब ये कि मेरे खाते वक्त ये जगे ना, तब तो ठीक है आराम से हम लोग खाना खा लेंगे, वरना फिर ये जल जाती है तब बड़ी दिक्कत थी, खाना बीच में ढकना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊँ, सारा दिन हमारे यहाँ सिर्फ यही होता रहता है। अभी तक हम लोगों ने खाना खाया तब तक ठीक थी, आराम से सोइए, फिर उठ गई। अब उसको गोल्डी फिर सुलाना शुरू की है, अरे। और देखिए अब कब तक ये सोती है महारानी, अभी तक नहीं सोई है। राधा रानी धागे। तो गाइस अब इनको सुला देते हैं, फिर वीडियो भी एडिट करनी है। इसी वजह से ना मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आती है, पर आज से मैंने पूरा ट्राई करा। अभी तो मैंने कंघी तक नहीं करी, फुर्सत ही नहीं मिली थी कि कल मॉर्निंग में आपको हमेशा अब 9 बजे तक वीडियो आ ही जाएगी, पर पहले ही रात में अपलोड कर दूंगी प्राइवेट करके देन पब्लिक। तो फिर अब चलिए ये मैडम जी सो जाएं, उसके बाद कोई काम हो घर में और मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब हम लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पे पत्ते, ये एक बेकार तोड़ी है, की तोड़ो ये वाली साइड तोड़ देती। सागौन है ये हमारे घर के बाहर लगा हुआ है तो ये फट गई है, लेकिन हमें पूरी अच्छी से पत्ती चाहिए। हाँ ये उसको छूना, फटी है पहले से ही वो तो। तो गोल्डी मेहनत कर रही है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे गिलोय तोड़ो, दो बड़ी कम पत्ती, इतनी पत्ती में क्या होगा, हमें अच्छी पत्ती चाहिए सुंदर सी, तो उस साइड चलना पड़ेगा उधर। यहाँ पे छोटी छोटी पत्ती जी पहुँच जाए बड़ी बात, तोड़ लो फिर अंदर ले आना। और आप लोगों को पता है ये मेहनत, और आप लोगों को पता है ये मेहनत क्यों चल रही है, फोटो शूट करना है इनको पत्ती से गणेश जी बना के बेटी का। तो वही यहाँ पे गोल्डी कुछ तैयारी कर रही हैं और मम्मी मेरी सिलाई कर रही हैं, बना रही हैं गद्दी, बहुत सारी गद्दी बना रही है ताकि ठंड आ रही है। डिब्बी दिखाना गोल्डी, इस छोटी सी डिब्बी में पता है क्या हींग है। और यहाँ पे इनकी दूसरी मौसी है, तीसरी मौसी के पैरों में दर्द था इसलिए वो आ नहीं पाई, वीडियो कॉल से देख लिया उन्होंने सारी चीज़ें। लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लिखा हुआ है हैप्पी, और यहाँ पे अभी लिखा जा रहा है गणेश चतुर्थी, तो अभी लिखा नहीं गया है, पर ये एक ही दुपट्टे से यहाँ से वहाँ तक पी लिखा गया, फिर पी वाई दूसरे दुपट्टे से, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये सो रही है, सोते में ही इसको पहना दिया इनकी मौसी ने, इतना सुंदर सा धोती लग रहा है, ये दुपट्टे से बनाया गया, मम्मी का कॉटन का दुपट्टा था और सच्ची में बहुत सुंदर सी धोती पहना दी गई है सोते हुए, इतनी क्यूट सी लग रही थी नज़र न लगे। और मैं इनकी मम्मा तैयार बैठे हुए फ़ोटो शूट कराने के लिए, बाकी कुछ नहीं करा मैंने, सारा मौसी ने कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देखना और मुझे कमेंट करके बताना बाबू कैसे लग रही है,
और ये धोती इनकी कैसी है, दुपट्टे से जो बनाई गई है, घर पे सोते में हम लोगों ने बना लिया था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी रोए ना। और सच में वो अभी रो नहीं रही थी, वैसे तो सारा दिन रोती है, बहुत रोती है, ये इतना रोती है कि इसका नाम ही मैंने रख दिया कि रोहिणी बिटिया, बहुत रोती भाई। और पता है आप लोगों को, अब इसका नाम रखना है तो नामकरण जो होता है वो पूजा पाठ करके होगा, तो अभी भादो चल रहा है, नवरात्र के बाद हम लोग नामकरण करेंगे इसका, अच्छे से फंक्शन होगा। पर अभी नाम आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे थे कि नाम क्या रखा है मैंने, तो आज तो बताने का टाइम नहीं मिल पाया, सारा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था मेरा। ये रात का डिनर बना रही हूँ मैं, आज पनीर की सब्जी बन रही है तो मैं बना रही हूँ, और पापा का व्रत था तो गोल्डी अपना व्रत का बना रही उस साइड, इसलिए इंडक्शन पर मुझे बनाना है सब्जी। तो नाम के लिए आप लोग सजेस्ट कर सकते हो आज जो भी नाम होगा, क्योंकि मैंने बाबू का सिर्फ एक नाम रखा है घर का जो हम लोग बोलते हैं, बाकी एक अच्छा सा नाम की तलाश है और अभी तक हमें मिला नहीं है, तो वो नाम ढूंढ के आप लोग मुझे बताना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि बेटी तो आप सबकी है ये। सो गाइस, कल के ब्लॉग में आपको नाम का पूरा पता चल जाएगा कि क्या नाम है और कैसा लगेगा नाम, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ये नाम उसकी नानी ने रखा है, हॉस्पिटल में ही नानी ने रख दिया था। खाना बन चुका है और किचन वगैरह भी क्लीन हो चुका है, वगैरह क्लीन हो गया है और अब खाना भी बन चुका है, और अब बाबू मेरे पास सो रहा है और इनकी मम्मा क्या कर रही है दिखाते हैं। इसका ये कर रही है, हर टाइम बेड साफ करना पड़ता है कि कहीं चींटी वगैरह ना आ जाए। चींटी का बहुत डर है क्योंकि चींटी मम्मा को काट लेती है। तो बोलो है। और अब इसका नेम रिवील का टाइम आ चुका है, तो जल्दी वीडियो आएगी, यानी कि कल वीडियो आएगी, तो आप लोग इंतजार करिएगा कि मैंने क्या नाम रखा है इसका, और जो नामकरण का है वो आपको आगे पता चल जाएगा कल की वीडियो में।